तो अपन कहेंगे कि भाई अगर अपन चेक करें एल्गोस तो इनकम में भी मिनिमम 3 तो होना चाहिए, इसमें भी इनका वैल्यू मिनिमम 3 होना चाहिए, एन इज इक्वल टू 3 टू। तो एल्डोज कैन बी मतलब मिनिमम अगर 3 कार्बन एटम होंगे तो भी नो दैट ग्लूकोज लैक्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज गैलेक्टोज ऑल दीज आर मोनोसाइक्लिक्स। अगर हम डाइसेक्राइड्स की बात करेंगे तो डाइसेक्राइड्स में डब्ल्यूबीएस दिल से रख सुक्रोज का डाइसेक्राइड माल्टोज इज अ डाइसेक्राइड गैलेक्टोज इज अ डाइसेक्राइड लैक्टोज विल बी द डाइसेक्राइड। ये तीन ही डाइसेक्राइड्स होंगे जो अपन को पढ़ना, ये तीन ही डाइसेक्राइड्स होंगे जो अपन को पढ़ना राइट। ये तीन डाइसेक्राइड्स हैं तो अपन कहेंगे ठीक है भाई तीन डाइसेक्राइड्स अगर अपन को पढ़ने होंगे तो इनका एक बार अपन हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट देखते हैं। अगर इसको हाइड्रोलाइज करोगे या अपन कहेंगे कि हाइड्रोलाइज करने से डाइसेक्रेट का मतलब है दो सिंपलर यूनिट बनेंगे तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है, ये माल्टोज है तो ये दोनों ही ग्लूकोज तो माल्टोज है ओनली ग्लूकोज लैक्टोज है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज राइट डाइसेक्राइड। ट्राइसेक्राइड में वी कैन राइट रेफिनम्स, रेफिनम्स को अगर हाइड्रोलाइज करोगे तो ग्लूकोज बनेगा फ्रक्टोज बनेगा और गैलेक्टोज मतलब दिस इज द ट्राइसेक्राइड। इधर अगर अपन चेक करेंगे तो विल राइट दैट इट विल बी ग्लाइकोजन विल हैव सेलुलोज एंड विल हैव स्टार्च, ये तीन पॉलीसेकेराइड्स जनरेट होते हैं। ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन प्लांट ग्लाइकोजन एंड एनिमल सेलुलोज एंड प्लांट एंड स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट इट कैन बी प्रेजेंट मतलब पोटैटो वगैरह और सब में भी प्रेजेंट होता है तो वो सेलुलोज। तो अपन प्लांट्स भी बोल सकते हैं और पोटैटो सीरियल्स वगैरह यू कैन से दैट उसमें अब अगर अपन चेक करें थोड़ा सा तो इसमें ये अल्फा डी ग्लूकोज होता है और ये बीटा डी फ्रक्टोज होता है, वो अल्फा बीटा टाइप भी होते हैं अपन को पता है अल्फा बीटा टाइप होते हैं। अल्फा बीटा टाइप अपन ने पढ़ रखा है कि भाई अल्फा बीटा टाइप अपन को लिखना होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा अगर नहीं पता है तो व्हाट इज अल्फा व्हाट इज बीटा अभी कुछ पता है आपको। तो इसमें दोनों अल्फा होते हैं और इसमें दोनों बीटा होते हैं मतलब बीटा डी गैलेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी उस टाइप से। ग्लाइकोजन इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज सेलुलोज इज बीटा डी ग्लूकोज दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज। पर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्लांट जनरली पर नहीं खाते हैं लेकिन एनिमल तो खा जाते हैं बॉइल कर
जो अपन खा सकते हैं और इजीली डाइजेस्ट हो सकता है, जो अपन खा सकते हैं और इजीली डाइजेस्ट होता है वो अल्फा होता है, और बीटा अपन इजीली डाइजेस्ट नहीं होता बीटा। तो अपन को थोड़ा ध्यान रखेगा कि सेलुलोज प्लांट्स अपन खाते नहीं है, एनिमल्स मतलब ठीक है वाइल्ड वाइल्ड करके खा लेते हैं, डाइजेस्ट भी होता है स्टार्च तो खाते हैं। मेनली अपन को थोड़ा सा पार्ट इधर से पूछ सकते हैं, मेनली तो अपन इसमें अपन से पूछ सकते हैं कि भाई इसमें लिंकेज बताओ क्या होता है। तो इसमें ना C1C4 लिंकेज होता है, इसमें लिंकेज जो होता है वो C1C4 लिंकेज होता है, ये भी बताऊंगा मैं व्हाट इज C1C4 लिंकेज। स्टार्ट में C1C4 भी होता है और C1C4 थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्योंकि ये दोनों अपने बिल्कुल सिलेबस में नहीं है, स्टार्ट से थोड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो राइट ना, बिकॉज ऑफ सीजन वगैरह पोटैटो वगैरह के बारे में वो किस तरीके से स्टार्ट से तो थोड़ा सा काम। स्टार्ट जो होता है जैसे मैंने कहा आपसे सीजन्स में प्रेजेंट होता है, पोटैटो में प्रेजेंट होता है, तो वेजिटेबल्स जनरली उनमें मेनली स्टार्ट। स्टार्च दो टाइप से होता है, एक अमाइलो हो सकता है और एक अमाइलो कैप्टन, दोनों में ही अल्फा डीग्रेड होता है। अमाइलो जो होता है वो लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज होता है, इसमें ब्रांचिंग भी होता है, तो ब्रांचिंग ग्लूकोज विथ C1C4 लिंकेज, तो C1C4 से एक का एक एक ग्लूकोज का C1 दूसरे का C4 ऐसे लिंकेज। इन सब में भी अपन लिंकेज करेंगे क्योंकि इनको लिंक करेंगे तो हमें पता होना चाहिए इनमें C1C4 लिंकेज है, ये C1C2 लिंकेज है, C1C4 लिंकेज है, इसमें C1C4 लिंकेज। इसमें ब्रांचिंग एट C1C6 इन C1C4 लीनियर, C1C4 से जैसे इसमें लीनियर बनेगा वैसे इसमें भी लीनियर बनेगा, लेकिन इसमें C1 और C6 से ब्रांचिंग। अमाइलोज जो होता है वो 20% होता है स्टार्च में, और अमाइलो फैक्टर 80% होता है, ये ज्यादा होता है, ये कम। 20% वाला जो अमाइलोज होता है दैट इज वाटर सॉल्युबल, और 80% जो होता है स्टार्च जो अमाइलो फैक्टर होता है वो हमारे बॉडी में डिपॉजिट होता है जिसे अपन फैट बोलते हैं, तो वाटर। मेनली इतना तो पता होगा, स्टार्च के लिए इतना काफी होगा, इससे अपन बता सकते हैं कि भाई व्हाट इज द स्ट्रक्चर और ये लिंकेज ऑफ, ये तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि स्टार्च में बीटा अल्फा डीग्रेड होता है क्योंकि स्टार्च को खाते हैं, तो स्टार्च में अपन को बाकी और जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टार्च में इतना ही बनता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये अपन तभी पढ़ पाएंगे जब अपन मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अब अपन देख लेते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट्स में, पहले मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं फिर अपन उसके बाद ही आगे पढ़ पाएंगे, तो पहले मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं और फिर आगे। मोनोसैकेराइड्स में कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं अपन और उसके बाद पूरी कौन स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपन बता देंगे, भाई जो स्ट्रक्चर अपन लिखेंगे उन स्ट्रक्चर के बेसिस पे कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन और उन स्ट्रक्चर के बेसिस पे
अब जैसे अपन को पता होना चाहिए, अगर अपन चेक करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड्स में अपन लिखते हैं द सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड इज ग्लिसराइड। द सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड इज ग्लिसराइड। That is the simplest monosaccharide. तो अगर n का वैल्यू इसमें 3 है, n का वैल्यू अगर अपन बढ़ाएंगे तो विल गेट लाइक दिस। ये अगर अपन लिखेंगे तो दिस इज फॉर E3 और शुगर। दिस इज E3 और शुगर। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ये कार्बन वन होगा कि कार्बन टू थ्री और फोर। नंबरिंग हमेशा CHO से ही शुरू। अगर अपन कार्बन टू से इसको चेंज करते, एक कार्बन के कॉन्फिगरेशन में डिफरेंस है, दिस इज पर थ्री और फोर। इनको अपन डायस्टीरियो आइसोमर्स बोल सकते हैं, एंड देयर दिस इज E3O डायस्टीरियो आइसोमर, दिस इज 3O डायस्टीरियो। वो आइसोमर्स का जो डेजिग्नेशन था ना, E3O और 3O, वो इन्हीं शुगर के बेसिस पे बना है। फिर अपन एक कार्बन एटम और इंक्रीज कर लेते हैं और एक ही तरफ सारे और। देन दिस इज कॉल्ड राइबो शुगर। अगर के एक कार्बन एटम और इसको देखें अपन, तो ये बात तो पता चल गया कि हमारी मर्जी नहीं होती कि इसको दर लेते उसको दर लेते। ये राइबो शुगर है, जब पहुंच तभी एक ही तरफ है तो अपन उसे राइबो शुगर कहते हैं। और अगर अपन कार्बन वन पे अगर OH को इधर लिखेंगे और बाकी दोनों OH इधर लिखेंगे तो विल राइट दैट इट विल बी आरबिनो शुगर। इसको अपन आरबिनो शुगर, ठीक है ना, उसको अपन आरबिनो शुगर बोलेंगे। फिर अपन बोल सकते हैं दैट इज आर्गेनो शुगर। और अगर अपन ऐसे लिखते हैं, एक और कार्बन एटम बढ़ा लेते हैं कि हमें सिर्फ राइबोस की जरूरत है, वो डीएनए आरएनए में दिस इज अ राइबो। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है, अगर अपन ऐसे लिखते हैं तो विल राइट दैट दिस विल बी सिक्स कार्बन एटम ऑफ दैट और कार्बन एटम बढ़ा दिया अपन। तो सारे ओएच अगर एक ही तरफ है तो दैट इज कॉल्ड एलोस। दिस इज C6H6 C6H12O6 ग्लूकोज। और अगर अपन कार्बन वन पे अगर अपन चेंज करते हैं, सपोज यहाँ पर मेरे पास OH है और फिर अपन COH करते हैं, ऐसे लिखते हैं अपन, then this is called ultrosugar. Then this is called ultrosugar. Is to open ultro. अगर मैं इसको ऐसे कर एच एंड ओ एच करता हूं, इधर भी एच एंड ओ एच करता हूं, इसको ओ एच लिखते हैं और इधर एच कर लेता हूं, देन इट इज कॉल्ड मैनो शुगर। देन इट विल बी कॉल्ड इट मैनो शुगर। और अगर मैं ऐसे लिखता हूं ओ एच एंड एच, अब यहां ओ एच यहां ओ एच लिखते हैं, यहां एच हो जाता है। तो इधर वो अच्छा है, इधर वो अच्छा है, तो अपन सी शुगर। तो दिस विल बी कॉल्ड एज गैलेक्टोज शुगर। अब ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनते रहेंगे। देयर इज फोर कायरल सेंटर, मतलब एट ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा और उनके मिरर इमेज लेके 16 आइसोमर्स।
अभी अगर अपन चेक करेंगे तो अपन क्या करेंगे कि भाई इन सब में हाइड्रोजन है नहीं, इन सब में हाइड्रोजन है नहीं होता है, इसमें अपन डिफरेंस चेक कर सकते हैं, डिफरेंस इसमें भी अपन डिफरेंस चेक कर सकते हैं, इसमें भी अपन डिफरेंस चेक कर सकते हैं, मतलब डिफरेंस के लिए हाइड्रोजन है ताकि आपको पता रहे कि कौन सा हाइड्रोजन के ऑक्स OH कहाँ लिखा हुआ है, वो आप इजीली देख सकते हैं। ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, ये 5 है और ये 6। तो अगर सभी पे एक ही तरफ एलोज हो, कार्बन 2 पे अगर अपन चेंज करेंगे तो ऑल्ट्रोस 2 और 3 पे चेंज दूसरी तरफ लेंगे तो दैट इज मैनोस, एंड अगर 3 और 4 पे अगर एक ही तरफ रखेंगे तो क्या या हाइड्रोजन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोजन लिखो, लिखना भी चाहिए अपन को। वैसे ही अगर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, सपोज अपन सी को लिखना है 1 2 3 4 और यहाँ पर सी, तो ग्लूकोज लिखने के लिए मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, दिस इज, अगर मैं इसको लिखूंगा तो दिस इज फॉर ग्लूकोज, बाकी इधर हाइड्रोजन होगा, तीन होगा, अपन लिख सकते हैं हाइड्रोजन जैसे मैंने वहां पर लिखा, अगर सारे OH ये भी इस तरफ होता, सारे OH एक ही तरफ होता तो वो एलोस होता। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि भाई हमारी मर्जी नहीं होती कि OH कहीं भी लिखे, हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। अब अगर अपन फ्रक्टोज की बात करें तो सिंपलेस्ट भी होगा, सिंपलेस्ट अगर लिखना है अपन को फ्रक्टोज, तो कीटोस की अगर अपन बात करेंगे तो कीटोस भी अपन को तो पता है, लेकिन कीटोस में हम जनरली सिर्फ फ्रक्टोज को यूज करते हैं, तो विल राइट द फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में विल राइट दैट, ये तो हो जाएगा सिंपलेस्ट, अगर मुझे बताना है तो मैं सिंपलेस्ट जैसे बता सकता हूँ, ठीक है। मैं फ्रक्टोज को फिर ऐसे लिख लेता हूँ, फ्रक्टोज इज गिवन, फ्रक्टोज विल बी लिखते हैं, दिस इज फ्रक्टोज, दिस इज द फ्रक्टोज, तो अपन बता सकते हैं भाई फ्रक्टोज क्या होता है, ये और ये पार्ट ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है, इतना पार्ट तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज में एग्जैक्टली सेम होता है, इसमें और राइट हैंड साइड पे होता है जहां इसमें सी लगा होता है, ये फ्रक्टोज। तो इतना तो हमें जनरली पता होना ही चाहिए दोनों से, अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है ना भाई, इतना अगर अपन को पता होगा तो जो भी टर्म्स अपन यूज करेंगे वो सारे टर्म्स अपन को समझ, तो ऑल नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ डीकंपोजिशन, तो अगर डी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इसमें OH जो होगा वो राइट हैंड साइड ऑल नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ डी कॉन्फ़िगरेशन, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ डी कॉन्फ़िगरेशन, तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं आर ऑफ डी कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल डी की बात की कॉन्फ़िगरेशन, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते। अब अगर अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज में अगर अपन चेक करेंगे तो अपन लिखेंगे भाई देखो ग्लूकोज में देर आर हाउ मेनी कैरल सेंटर, वो अपन को दिख रहा है इज अ ग्लूकोज, अगर इसमें 4 कायरल सेंटर है 1 2 3 4, तो हम जो कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं वो किससे चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, जो लास्ट द कायरल सेंटर विच इज हाईएस्ट नंबर इन आईपैक मेम्ब्रेन उससे फिर चेक करते हैं डी, उससे एल ओ एच राइट हैंड साइड में तो डी,
तो फिर एल ग्लूकोज क्या होता है? तो फिर कहेंगे एल ग्लूकोज विल बी द मिडिल रिलीज होता है, बेसिकली है, सो बिकॉज़ डी एंड एल आर ऑलवेज मिडिल रिलीज ऑफ ईच अदर फॉर अ मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज के लिए अपन कहेंगे देखो भाई ये हमेशा मिरर में चलता है, तो जो एल ग्लूकोज होगा दैट विल बी दिस इज। कई बार स्टूडेंट क्या करता है इसको चेंज करके और हमको बट वो मॉलिक्यूल एल आपको जाएगा क्योंकि एक भी ओएच को अगर अपन ने इधर उधर किया मॉलिक्यूल का नाम ही चेंज। दिस इज कॉल्ड एल। नेचर में जनरली ये अपन इसको डी ग्लूकोज भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी टू डी थ्री एल फोर डी फाइव डी ग्लूकोज, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि टू पे ओ एच राइट हैंड साइड पे इसलिए टू डी लेफ्ट हैंड साइड पे, लाइक दैट वी कैन राइट। लेकिन अगर इनमें से सिर्फ एक ही लिखना है तो फिर अपन को फिर सवाल लिखाता है इसमें उल्टा हो जाएगा दैट इज 2l 3d 4l 5l इन दिस केस। तो l ऑलरेडी पता है कि भाई ग्लूकोज के नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज कैन बी 2n और उसको अपन बता सकते हैं 16 है। तो इनमें से 1, 2, 3, 4, 5 अपन ने लिखे हुए हैं उनके मिरर इमेजेस कर लो तो ये गेट 10 तो हो गया, तीन और बनाते हैं तो मिल जाएगा। तो 2 to the power of 4 लिखूंगा मैं तो इट विल बी 16। और अगर अपन को ऐसे लिखा है नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ डी ग्रुप नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ डी ग्लूकोज बोल रहे आप तो फिर अपन क्या करेंगे इज इक्वल टू 2 to the power of n लेंगे अपन, लेकिन इस टाइम में 2 to the power of 3 लेके 8 क्योंकि डी ग्लूकोज का मतलब हो जाएगा इस वाले पार्ट को फिक्स करके, इसको चेंज नहीं कर पाएंगे ना फिर अपन क्योंकि डी ग्लूकोज का मतलब है कि डी तो आपको इससे ये फिक्स करना पड़ेगा ना इधर वाला पार्ट, सिर्फ तीन पार्ट में ही आप इधर उधर कर सकते। वो डी जो था वो हमने कैलकुलेट किया था ऑन द बेसिस ऑफ ग्लिसराइड जो अपन ने फिर अपन को फिक्सचर में दिया था, फिक्सचर प्रोजेक्शन बता दिया था राइट। तो एक तो पॉइंट ये हो, अब मैं इनको हटाता हूँ थोड़ा सा लेकिन आप फर्स्ट मतलब इनको ध्यान रखो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए पानी राइबोस का घटना। दूसरा पर लिख सकते हैं द नेम दैट इज कॉल्ड हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस अपन बोलते हैं द स्टीरियो आइसोमर्स विच डिफर इन कॉन्फिगरेशन एट वन कार्बन। सो ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स मैंने कहा ऑप्टिकल है ऑप्टिकली एक्टिव है ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन है वन ऑफ द वन ऑफ द उनको अपन एपिनस। तो अगर अपन एग्जांपल लिखें तो अपन बोल सकते हैं कि अगर मैं एलोज और अल्ट्रोज की बात करूंगा तो दे विल बी दे आर हैविंग अ डिफरेंस एट दिस कार्बन बाकी सबसे तो दे आर सी टू एपिमर्स। अगर मैं चेक करूंगा अल्ट्रोज और मैनोज को तो दे आर डिफरेंट एट सी थ्री कार्बन तो दे विल बी सी थ्री एपिमर्स। अगर मैं चेक करूंगा दैट इज दीज टू कैनॉट बी दैट वो एपिमर नहीं बिकॉज इसमें ओएच इधर है इसमें दो कार्बन एटम में डिफरेंस आया ना तो दे कैनॉट बी दैट एपिमर।
तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूं C1 एंड C2 ना, सो एलोज एंड अल्ट्रोज, एलोज एंड अल्ट्रोज आर C2। फिर मैंने बताया आपको दैट इज एल्ट्रोज एंड मैनोज आर C3। अगर मैं लिखूंगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, तो अपन बोल सकते हैं व्हाट आर दोस ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4। एक तरीके से अगर तो देखा जाए, अब जो आप मुझे बता रहे हो आप इन दोनों को देखते देख सकते हो, यू आर टेलिंग मी दैट कि ऑल एपिमर्स आर डायस्टेरिक, ऑल हैव पैरल सिंड्रोम एंड दे आर हैविंग डिफरेंस ओनली इन वन डायस्टेरिक, सो दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, सो दीज आर डायस्टेरिक, ऑल एपिमर्स आर डायस्टेरिक। Similarly, we can write another point that is called neuter rotation. Neuter rotation में क्या होता है, जैसे अपन all monosaccharides can show neuter rotation. अब मैं इसको देखता हूँ, all monosaccharides can show neuter rotation. तो आई एम नॉट टेलिंग कि ओनली मोनोसैकेराइड्स, कई सैकेराइड्स भी हो सकते हैं, ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड मतलब एक जनरलाइज स्टेटमेंट लिख देते हैं डाइसैकेराइड्स वगैरह के लिए भी, वो भी शो कर सकते हैं एंड रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर में लैक्टोज भी आ गया, माल्टोज भी आ गया, सुक्रोज इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, डाइसैकेराइड्स, रेफिनोज भी आ गया, सो ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स दे विल शो म्यूटर, सो म्यूटर। यस, ठीक है, तो म्यूटर रोटेशन होता क्या है, when we have D-glucose, अपन को पता है D-glucose मतलब फिफ्थ वाले कार्बन एटम पे OH को राइट हैंड साइड, दैट इज कॉल्ड D. So when a D-glucose is added in aqueous acid or basic solution, aqueous acid or basic, तो इट विल स्टैब्लिश है एक लिमिट, इट विल स्टैब्लिश है एक लिमिट बिटवीन द अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी एंड बीटा, इट विल स्टैब्लिश है एक लिमिट बिटवीन, तो एक लिमिट मतलब मुझे ऐसे लिखना चाहिए फिर, equilibrium between the alpha D glucose and the beta D glucose, तो वो उस टाइप से equilibrium बना देता है। अब अगर equilibrium बनाएंगे वो, तो obviously बात है वहां पर कुछ मतलब आपने equilibrium मतलब सिर्फ इन दोनों का बनेगा या ये भी रहेगा, ये अपन को देखना, मतलब equilibrium जो बता रहे हो आप वो उसमें क्या क्या रहेगा ये बता दें। तो अपन कहेंगे देख भाई न्यूटन रोटेशन में सिर्फ ऐसे नहीं होता कि ये और ये ही बचेगा, ये भी बचेगा, मतलब जो अपन न्यूटर रोटेशन लिखेंगे तो उसको भी लिखना पड़ेगा न्यूटर रोटेशन। तो न्यूटर रोटेशन में अपन क्या करेंगे, न्यूटर रोटेशन में अपन परसेंटेज लिखेंगे कि किसका कितना परसेंटेज होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहीं पे देखें
ये भी मतलब काफी कम होता है, लेकिन ये होता है, अपन इसे जीरो का भी नहीं बोलता, ये भी कंट्रोल। तो ये भी होता है, दिस इज नियरली अब 36% होता है, तो ये भी नियरली फिर रहा क्योंकि ये 0.02% है ना, तो 36% वो दोनों ही इक्विलिब्रियम में स्टार्ट। अब न्यूटन रोटेशन क्या होता है, तो इट इज अ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू होता है +52.5, ये अपन को पता चलता है, दिस इज ऑप्टिकल, दिस इज ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये क्या होगा, जब ये एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अपन ऐड करेंगे तो ये ऑप्टिकल रोटेशन इसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये अल्फा और बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो अपन अल्फा और बीटा में कन्वर्ट करेंगे इसे, तो अल्फा का रोटेशन होता है 120 और इसका रोटेशन होता है 90, दोनों ही प्लस रहेंगे क्योंकि ये प्लस था, तो दोनों अल्फा बीटा भी प्लस ही। और फ्रैक्शन के बेसिस पे ये परसेंटेज अपन कैलकुलेट खुद भी कर सकते हैं, अगर हमें ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यूज पता है ना, तो इन्हीं वैल्यूज से मैंने उसको कैलकुलेट किया, मतलब अपन ऐसे कर सकते हैं कि फिर भी अल्फा और बीटा का टोटल फ्रैक्शन 1 होना चाहिए, अल्फा का रोटेशन 122 रहेगा, बीटा का रोटेशन 19 रहेगा और टोटल रोटेशन 52.5 रहेगा, तो मुझे ए और बी का वैल्यू आएगा, दैट इज द परसेंटेज, जो भी ए का बी, ए और बी का वैल्यू आएगा वो परसेंटेज। मैं खुद भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, अगर किसी के लिए दे दे मुझे अल्फा और ए बी का रोटेशन फ्रैक्शन देके बता। तो दैट इज न्यूट्रल रोटेशन। सर हाँ बोलो सर, रिड्यूसिंग शुगर मतलब क्या होगा? वो बताऊंगा अभी, मतलब मैंने, मतलब जनरली बच्चों को पता होता है, तो सिंस यू आर 12th पास, तो मैं थोड़ा सा आगे अगर कोई सेंटेंस देने से अच्छा है कि अगर अभी बेस्ट लिख सकते हो तो लिखो, वरना जैसे ये पॉइंट लिखा है वैसे मैं रिड्यूसिंग शुगर भी लिखूंगा, पॉइंट कि रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। वैसे रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो टोलरेंस टेस्ट देंगे, बेरिडिक सॉल्यूशन टेस्ट देंगे और फेरिन सॉल्यूशन टेस्ट, उनको रिड्यूसिंग शुगर। तो ठीक है, तो मैं बता था, अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू दैट कि अल्फा मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज शोज न्यूट्रल रोटेशन, बट दिस सेंटेंस विल बी बेटर देन दैट, कि मुझे सर ने बहुत सारे मोनोसेक्राइड बताए थे, सारे मोनोसेक्राइड और सारे रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर मतलब जनरली अपन को पता, वो तीनों टेस्ट साइमल्टेनियसली देना, ऐसा है कि तीनों में से कोई भी टेस्ट चले, तीनों में से कोई भी होगा तो रिड्यूसिंग, ठीक है ना, मतलब अगर टोलरेंस दे दे, पेरिडिक्स दे दे या फेलिंग, अब इसमें हुआ क्या है अपन को, अगर अपन चेक करेंगे तो एक बात तो अपन को अच्छे से पता है कि अगर आप एसिड और बेस के साथ एक्वस सॉल्यूशन के साथ ही रिएक्ट करोगे तो मुझे पता है मेरे पास एल्डिहाइड है, मुझे पता है मेरे पास एल्डिहाइड है, और अगर मैं इसको एसिड के साथ और वाटर ऐड करूं तो क्या होगा, तो अगर एसिड के साथ इसमें वाटर ऐड करोगे तो एच प्लस आयन अटैक करेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो एच होगा सी होगा डबल बॉन्ड OH होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और अपने पास ये तो OH रह भी रहेगा H। Now what will happen कि भाई जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, अपन को पता है इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये अपने लोन पेयर से इधर अटैक करेगा। अपन को याद है इस टाइप का रिएक्शन आपने मुझे हेमिएस्टल और हेमिकेटल में बताया था, तो ये एल्डिहाइड है इसलिए अपन हेमिएसिटल की बात करेंगे, तो अगर ये इस पे लोन पेयर अटैक करता है तो इसका मतलब है कि यहां पर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्रोटॉन लीव करूंगा, दैट इज एसिड,
तो फिर मेरे पास जो कार्बन वन है उस पर ये OH आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन होगा, एक और OH बन जाएगा और दूसरे कार्बन एटम पे ऐसे ये कार्बन वन था, ये कार्बन टू, कार्बन वन है, ये कार्बन टू है, वो तो वैसे ही रहेगा, ये कार्बन वन है, कार्बन टू, कार्बन वन पे दो OH आ रहे और एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में एक ही कार्बन एटम पे दो OH जो होंगे वो अनस्टेबल। तो होगा क्या ना इसमें कि जो CHO है ऐसे, जो यहां पर ग्लूकोज था अल्फा डी ग्लूकोज, वो तो ऐसे था, इधर OH है, इधर H है, इधर OH है, इधर H है, इधर OH है, ये डी ग्लूकोज था जो तो इधर डी ग्लूकोज, ये तो डी ग्लूकोज। अब अपन कहेंगे ठीक है तो अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होगा, यहाँ पर कार्बन एटम वन कार्बन एटम में ट्रिपल बॉन्ड है, ये प्लस 122 है अपन को पता, और ये थर्ड। तो अपन कहेंगे यहाँ पर जो दो कार्बन एटम ना, इधर दो OH कार्बन बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन लिख लेते हैं, इधर भी OH है, इधर OH है, बाकी पार्ट तो सेम ही रहा ना, बाकी पार्ट में थोड़ी कोई चेंज आया, जहां चेंज आया वो अपन ने लिख लिया, ये अब अपन क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा, तो ये प्लस 19 होता है और ये 64%। तो अपन क्या करेंगे, इसमें भी ये OH है, ये OH है, दो OH आ गए अपने पास, तो इधर भी OH, बाकी पार्ट तो सेम ही रहेगा, बाकी पार्ट में तो चेंज नहीं किया ना, पर तो बन जाएंगे ये H हो गया, ये COH हो गया, H हो गया और CH हो गया, ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने वाला है। तो अभी क्या होगा, जैसे अगर मान लेते हैं कि इसमें क्या होगा कि जैसे ये अपन कहेंगे भाई एक ही कार्बन पे तो दो OH है, तो ये तो अनस्टेबल होंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि भाई देख इससे और इससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव, मतलब इसके OH से एक OH ले लो और इसके OH से भी एक H ले लो, तो फिर एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बना होगा तो सिक्स मेंबर रहेगा, वाटर तो रिमूव करना ही था, तो एक तो ये बना सकता हूं, दूसरा मैं कर सकता हूं, देखो भाई इसमें OH लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो जो अल्फा और बीटा जो होते हैं वो इसी से डिफरेंशिएट होते हैं कार्बन वन से, तो इसमें अपन क्या करेंगे, अपन OH इस वाले OH की बजाय इस वाले OH और इस वाले OH से वाटर हटाएंगे, तो अपन वाटर हटाने के लिए इस H को इधर कर लेते हैं क्योंकि फेशियल प्रोजेक्शन है और इस OH को इधर, तो अपन क्या करते हैं कि भाई इधर एच लेके और इधर वाला ये लेके अपन बना वाटर का, तो अगर मैं वाटर हटाऊंगा इसको तो अगर राइट है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा वाटर हटाने के बाद कि देखो भाई ये वाटर हटाया, तो अपन इसको ऐसे ये वाटर, तो अब ये टेट्राहेड्रल है अपन हटा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, वो टू डायमेंशनल में ऐसे लिखा है इसलिए अपन को ऐसे लिखा है, ठीक है ना, मैंने उसको कभी कभी वो ऐसे भी लिख देते हैं स्ट्रेट लाइन ऐसे, लेकिन अपन को पता है अगर ऐसे ना हो कि अपन बेंड करें और फिर बाद में सोचें कि अच्छा इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर बीच में एक ऑप्शन रहा होगा, फिर कार्बन या फिर कार्बन, इसके वो थोड़ा सा कर्व बना होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई कोई बात नहीं, खुल रहे इधर, अब देखो कार्बन वन ये वाला था, कार्बन टू, कार्बन थ्री, फोर और अपन को पता है इसमें भी कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो अपन क्या करेंगे अगर कार्बन वन और कार्बन टू पे OH अगर एक ही साइड वन और टू, तो इसको कहते हैं अपन अल्फा, तो डी ग्लूकोज से आपका ये बन गया अल्फा डी, और अगर कार्बन वन और कार्बन टू पे अगर OH डिफरेंट साइड है तो होगा वो आपका बीटा, ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में डिफरेंस, ठीक है, ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में डिफरेंस। तुम लोगों का टेस्ट भी है क्या,
तुम्हारा टेस्ट भी है क्या आज? हो सकता है वेडनेसडे को होता है टेस्ट। कितने बजे होता है? दे सकते कभी भी। अच्छा वो कभी भी दे सकते? हाँ। तो अपन इसको बीटा डी ग्लूकोस। अब अल्फा और बीटा डी ग्लूकोस में अपन कहेंगे जैसे अल्फा डी ग्लूकोस में होता है वैसे ही अपन ना फ्रक्टोज को भी। फ्रक्टोज में अपन क्या करेंगे, ये मतलब अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोस अपन को पता चल गया। अब अगर अपन फ्रक्टोज की बात करें तो बिल्कुल अपन फ्रक्टोज में भी ऐसी लेकिन उसका ऑप्टिकल रोटेशन अलग होता है। वी नो दैट फ्रक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन नेगेटिव होता है। तो मैं ये वैल्यूज हटा लेता हूं और ये अल्फा डी फ्रक्टोज बन जाएगा। न्यूटन रोटेशन में अल्फा और डी बीटा ही बनते हैं और ये बीटा डी फ्रक्टोज बन जाएगा अगर अपन फ्रक्टोज का न्यूटन रोटेशन करें। फ्रक्टोज का न्यूटन रोटेशन कीजिए, फ्रक्टोज के पास भी अल्फा और बीटा दोनों होते हैं। तुमको पता है कीटो ग्रुप होने की वजह से इसमें अब यहां पर ठीक है CH2OH सी डबल बॉन्ड ऑफ दैट इज फ्रक्टोज। अब अगर अपन फ्रक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन पढ़ेंगे तो पहले भी अपन इनवर्जन ऑफ शुगर की पढ़ा और उसमें फ्रक्टोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो 90 होता है। फ्रक्टोज का रोटेशन 92 होता है, इसका अल्फा अगर अपन चेक करेंगे अल्फा का ऑप्टिकल रोटेशन राइट ना, तो अल्फा का ऑप्टिकल रोटेशन होता है फ्रक्टोज के लिए दैट इज -1 और बीटा का रोटेशन। अच्छा अल्फा का रोटेशन हमेशा ज्यादा होता है बीटा से। अल्फा का ऑप्टिकल रोटेशन आप लास्ट टाइम पिछले वाले में भी देख लो तो बीटा का रोटेशन हमेशा कम होता है उसके कंपेयर। तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन और अगर ये माइनस है तो वो भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा अल्फा बीटा दोनों माइनस होगा। ये कभी नहीं होगा कि फ्रक्टोज नेगेटिव है और अल्फा और बीटा में से कोई एक पॉजिटिव हो गया, वो कभी नहीं। ये भी पॉइंट हो सकता है। बाकी परसेंटेज अपन कैलकुलेट कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगा तो फ्रक्टोज। तो अब अपन क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना आता है परसेंटेज में तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका रोटेशन चेक कर लेते तो ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है? थैंक यू भाई, आपने ऐसे ही तो लिखा होगा, बस ये टू हो, आपने ऐसे ही तो लिखा होगा, बस ये टू हो, ये थ्री हो जाए राइट। तो अपन क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ही चेंज होगा, बाकी सारा पार्ट तो एक जैसे होगा। तो इसका अल्फा और बीटा फ्रक्टोज अपन लिखते हैं, तो ये बता देते हैं भाई अल्फा और बीटा फ्रक्टोज। तो अगर अपन अल्फा और बीटा फ्रक्टोज की बात करेंगे तो डी फ्रक्टोज CH2OH हो जाएगा, इसको ऑप्टिकल रोटेशन करेंगे तो दो OH होंगे तो एक OH इधर और एक OH इधर, बाद में अपन देख लेते हैं क्या करना है। बाकी पार्ट तो बिल्कुल सेम होता है जैसे ग्लूकोज में होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है, बाकी सारा पार्ट तो बिल्कुल ग्लूकोज में। तो यहाँ पर मैं इससे OH और इससे OH निकाल के ऐसे बना देता हूँ, दिस इज डी फ्रक्टोज तो वो अल्फा डी फ्रक्टोज होता, दिस विल बी अल्फा डी फ्रक्टोज और ये भी अपने पास केवल ध्यान करते हैं बीटा डी फ्रक्टोज भी अपन लिख के बता सकते हैं। ऐसे OH हो गया, OH हो गया, दैट इज बीटा डी OH हो जाएगा, H हो जाएगा, OH हो जाएगा, H हो जाएगा, CH हो जाएगा। तो इसमें भी अपन एक बता देते हैं भाई वाटर मॉलिक्यूल है तो इसमें भी बटर वाटर पटाके और अल्फा डी फ्रक्टोज बीटा डी फ्रक्टोज अपन ऐसे लिख सकते हैं।
और ऑप्टिकल रोटेशन के ऊपर लिख लिया। और इसमें जैसे अपने ग्लूकोज में लिखा था डिफरेंस, वैसे इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें अगर अपन डिफरेंस चेक करेंगे तो इसमें डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सी। अल्फा का मतलब जिस ग्रुप के बेसिस पे आप डिफरेंस बताओगे वो सेम साइड होना चाहिए, दैट इज अल्फा। तो सेम साइड मतलब अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये तरह से है तो इसको इधर भी ऐसे कर सकते हैं, ये दोनों ग्रुप एक ही तरफ हो और इसमें ये ग्रुप इधर रहेगा, ऐसे तो अपन बता सकते हैं दैट इज द डिफरेंस। तो इसमें कार्बन टू डिफरेंस हमेशा वहां होगा जहां फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोलाइज्ड हुआ, तो वहां डिफरेंस होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें दोनों CH2 ग्रुप एक ही तरफ है और इसमें एक मतलब अलग अलग साइड पे हैं CH2। ये अल्फा और बीटा बीटा पर होता है। अब बिल्कुल वैसे ही अपन बता सकते हैं, दैट इज ये म्यूटर रोटेशन होता है और सभी सर बोलो वो जो हमने H प्लस अटैक करवाया है वो OH पे कराना चाहिए था ना हमें, वो जो अपन ने अटैक करवाया है वो OH पे जाना चाहिए था, इस वाले OH पर हाँ जा सकता है क्योंकि ऊपर वाला तो सॉल्वेटेड होगा ना ये वाला। हाँ वो आपने एस्टर एस्टर में बताया था। हाँ बताया था ना, तो जो दोनों तरफ से अटैच होगा वो मतलब हाँ तो करेंगे ना, तब नहीं करता लेकिन ये टूट नहीं सकता, तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। डिहाइड्रेशन करोगे ना फिर तो आपने हाँ। तो डिहाइड्रेशन के लिए आपको हटाना पड़ेगा ना, ये तो इसलिए अपने आप डिहाइड्रेट हो गया था क्योंकि सिक्स मेंबर या फाइव मेंबर ड्रिंक करता है। अच्छा तो बोलो वहां पे हम लोग क्या करते फिर जब हम लोग, तो क्योंकि जो दूसरा वाला ऑक्सीजन होता है उसी पे अटैक करवाते हैं हम, तो ऐसे करते हैं। आपने ये कहा था कि भाई अगर पानी डालोगे तो ये डबल बॉन्ड वाला जो है वाटर से हाइड्रेट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रेट हो जाएगा हाँ है ना। तो अपन ने कहा था अगर एसिड ऐड करूंगा तो अपन ये कर सकते हैं कि भाई एक्वस सॉल्यूशन में ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब अपन ने कहा था कि अगर ये लीव करता है तो कार्बो कैटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि प्रोटॉन को लीव करता है, ये कार्बो कैटायन स्टेबल है ना, इसको लीव करवाएंगे तो बहुत कम स्टेबल बनेगा, इसलिए ना वो क्या बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीशन की वजह से। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब स्टेबिलिटी मतलब वो रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से ही बता। हाँ ठीक है ठीक ठीक है। तो यहाँ पे सिक्स मेंबर फॉर्म होगा इसलिए हमने वो डबल बॉन्ड वो पे कराया। बिल्कुल बिल्कुल, वो मतलब करवाया तो अपन ने सभी जगह था लेकिन हमने डायरेक्टली वही पढ़ा क्योंकि और इफ और बट नहीं पढ़े अपन ने कि भाई ऐसा होगा डबल बॉन्ड पे इसलिए अटैक करवाया क्योंकि वहां से सिक्स मेंबर बन सकता था। ठीक है सर। हाँ बोलो सर, वो आपने अल्फा डी फ्रुक्टोस और बीटा डी फ्रुक्टोस कैसे बताया था वो एक बार बताइए मतलब। अभी वो और भी बताऊंगा, इसको भी बताऊंगा वापस टेबल प्रोजेक्शन नहीं मतलब ना? आपने जैसे कि ग्लूकोज में बताया था कि दोनों सेम साइड पे होगा OH तो फिर हम लोग अल्फा बोलेंगे और डिफरेंट साइड पे होगा तो बीटा बोलेंगे, तो इसमें कैसे कार्बन 1 और 2 पे अगर वो एक ही तरफ है तो अल्फा डी ग्लूकोज था। हां और अगर कार्बन 1 और 2 पे OH डिफरेंट साइड है तो बीटा डी ग्लूकोज। हाँ और इसमें अपन ने बताया कि इस कार्बन पे और इस कार्बन पे अगर C2H5 OH अलग अलग सेम साइड है तो अल्फा है,
हाँ ठीक है, मतलब सेम नहीं चीज है ना। नहीं, हमने तो यहाँ पर C2H2 से बताया, हाँ सर ठीक है। उससे बताया। ठीक है, अब ठीक है, अब मैंने कुछ ऐसा चेंज तो किया नहीं, तो लेकर रहने देते हैं एनोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स विच डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन कार्बन, तो मैं इसको ओनली वन कार्बन एटम में एनोमेरिक कार्बन एटम। अपन कहेंगे ये एनोमेरिक कार्बन एटम कौन सा होता है? कार्बन एटम ऑफ फंक्शन, ऑफ फंक्शनल ग्रुप विच गेट हाइड्रोलाइज। मतलब फ्रक्टोज में सेकेंड कार्बन एटम इज एनोमेरिक कार्बन एटम। इन ग्लूकोज C1 इज एनोमेरिक कार्बन एटम, इन फ्रक्टोज C2 इज एनोमेरिक कार्बन एटम। वो कार्बन एटम जो फंक्शनल ग्रुप को होल्ड करता था और उसके हाइड्रोलिसिस के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस होगा, मतलब ग्लूकोज में C1 एनोमेरिक कार्बन एटम है, सो अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स, क्योंकि उनमें जो डिफरेंस होता है ना अल्फा और बीटा में, वो कार्बन वन पे इधर क्या होता है राइट हैंड साइड पे, जबकि अपन इधर क्या करेंगे कार्बन टू पे, कार्बन वन पे OH उधर जाएगा अलग अलग साइड। तो कार्बन वन विल बी कॉल्ड एज द एनोमेरिक कार्बन। मैं अगर इसको डैश में लिखूंगा और इसको वेज में लिखूंगा तो गलत होगा। फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन एटम ये था, इसलिए जो भी आपको चेंज बताना है इन दोनों में वो आप सेकंड कार्बन से बता सकते। अगर इसको वेज पे लिखा हुआ है तो ये भी वेज पे ही रहेगा, इसको डैश लिखोगे इसको वेज लिखोगे मैं गलत बता दूंगा, स्ट्रक्चर ही गलत है, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन एटम टू है, आपको टू पे ही डिफरेंस बताना पड़ेगा कि यहां पर ये वेज में था और यहां पर ये डैश में है, सो इट इज डिफरेंट, दैट इज एनोमेरिक। सो अल्फा एंड बीटा डी फ्रक्टोज आर एनोमर्स, C2 एनोमर्स। तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट के लिए एनोमेरिक कार्बन एटम वो होता है जिसको अपन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कहते हैं, वो एनोमेरिक कार्बन। उससे हम अल्फा और बीटा का डिफरेंस निकालेंगे, सो जिस कार्बन एटम से हम अल्फा और बीटा बताएंगे that carbon atom will be the anomeric carbon atom or alpha and beta are example of anomers. So alpha and beta, they are again the diastereoisomers, they cannot be the mirrored images. So alpha and beta are diastereoisomers. And jo carbon atom functional group wala carbon atom hota hai usko apan glycosidic carbon atom bhi kehte hain. तो अभी तो ये आपके सामने लिखा हुआ था इसलिए मैंने उसको वैसे बता दिया आपको, और मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा कि व्हाट इज एनोमेरिक कार्बन।
फिफ्थ अपन लिख लेते हैं, दैट इज एक बार रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जैसे मैंने बता दिया था शुगर, और रिड्यूसिंग शुगर वो होंगे which gives a tolerance test, Fehling solution test, and Benedict solution test. They are called reducing. Example. All monosaccharides. All monosaccharides. Then we can write that that is lactose, maltose. तो एनोमर और एपीमर में डिफरेंस क्या है? अब ये तो तुम बताओ, तुम पढ़ रहे हो। एपीमर में भी एक ही कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन चेंज, लेकिन किसी भी कार्बन के अबाउट। अच्छा, कोई भी चलेगा। हाँ, कोई भी चलेगा, मतलब किसी कोई भी होता ही है ना, वही तो डिफरेंस था मेरे में, है ना? तो लेकिन एनोमर में सिर्फ फंक्शन को पता था, मतलब ऑल एनोमर्स आर एपीमर्स। हाँ, ऑल एपीमर्स कैन बी नॉन एनोमर्स। हाँ, समझा। नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात कर लेते, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की अगर अपन बात करेंगे तो ये अब ये लिखने की जरूरत नहीं, विच डजंट गिव यू, ठीक है, अपन को पता है। एग्जांपल बताओ, जो ये नहीं देंगे वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, वे आपने लिखा तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? जैसे अपन ब्लड टेस्ट करते हैं ना, तो डायबिटीज वगैरह टेस्ट करेंगे तो कैसे बताते हैं? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालते हैं ब्लड में और चेक करते हैं कि कितना ऑरेंज रेड ऑरेंज प्यूरिटी आया, वो कॉपर बना, कॉपर ऑक्साइड बना CuO, उससे अपन कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज लेवल ऑफ शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में एक तो अपन लिखेंगे भाई साले सारे के सारे पॉलीसेकेराइड्स, तो जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं सारे के सारे ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं। चलो भाई ग्लाइकोजन सब हो गया। दूसरा सुक्रोज इज अ डाइसेकेराइड और वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर था, बाकी दोनों डाइसेकेराइड जो थे माल्टोज एंड लैक्टोज दे आर रिड्यूसिंग शुगर, सो सुक्रोज इज अ। अब अपन कहेंगे देखना, तो रिड्यूसिंग शुगर हैज, जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं और रिड्यूसिंग शुगर हैज हेमी एसिटल या हेमी केटल, हेमी केटल। अब कीटोन होगा तो जैसे फ्रक्टोज होगा तो हेमी केटल ही ढूंढना, हेमी केटल। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में ये नहीं, हेमी एसिटल का मतलब हो गया एक कार्बन ऐसे अपन ढूंढ लेंगे, एक हाइड्रोजन हो, एक एच हो और एक सी हो और एक ओ, दे आर हेमी एसिटल। आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो लिखो कि भाई ये ऐसे एच था, इधर ओ सी था और इधर ओ एच था, तुम्हारी मर्जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो फर्क पड़ता है बस कि एक कार्बन है उससे एच है, उससे सी है, उससे एच है, ओ एच है और एक ओ। हेमिकेटल मतलब दोनों क्या हो जाएंगे अपने पास, ये इनकी जगह दोनों सी हो जाएंगे, बाकी मुझे यही चाहिए, कीटोन हो जाएंगे, क्योंकि अपने पास ऐसे रहा होगा तो एल्डिहाइड है, अपन को पता है आप एक अल्कोहल ऐड कर लेते हो एक OH, तो हेमी एसिटल, और कीटोन में अगर ऐड करते हो तो हेमी केटल हो जाता है, दैट इज द डिफरेंस।
और उसकी वजह से अपन रिड्यूसिंग और हेमिएस्टल हेमिकेटल ग्रुप गिव्स टोलन स्ट्रेस तो बताओ राइट। अब अपन चेक करेंगे अब हेबर्थ प्रोजेक्शन है ठीक है। अब अपन इन्वर्जन ऑफ शुगर केन बताने की लेकिन इन्वर्जन ऑफ शुगर केन आपको पता होना चाहिए। इन्वर्जन ऑफ शुगर अभी लिखा जैसे सुक्रोज होता है इसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड विल गेट अ ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑन फ्रक्टोज इसमें फ्रक्टोज ये बन जाएगा ठीक है ना। तो इन्वर्जन मतलब ये प्लस 66.5 होता है ग्लूकोज इज प्लस 55.2 होता है 52.5 होता है और ये माइनस नहीं। तो पहले ये डेक्सट्रो होता है तो बाद में जब ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो लिवर रोटेटरी ये इसको कैंसिल करके नेगेटिव बचेगा ओवरऑल ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं इनवर्ट। Next we can write as the Heber projection. Glucose for alpha or beta D glucose or fructose rows of Heber projection. So the Heber projection. Like that would be how it is. Okay, the Heber projection. प्रोजेक्शन का मतलब है साइक्लिक स्ट्रक्चर जैसे बने लिखे हुए हैं जैसे ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज में फिर क्या करना होता है ऐसे और साइक्लिक रिंग में सिक्स नंबर बनता है तब बना लेंगे फिर सिक्स नंबर रिंग साइक्लिक नहीं पड़ेगा। अब अपन क्या करेंगे इसको यहां पर OH और H अपन को यहाँ सी एच टू एच है यहाँ पर एच है यहाँ पर एच है यहाँ पर ओ एच है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सी एच टू एच से हमेशा शुरू करो ये ओ एच ऊपर था इधर नीचे लिख लिया ये ऊपर है इधर नीचे लिख लिया इधर ऊपर है इधर नीचे इधर ऊपर है इधर नीचे हो गया तो ऊपर नीचे ऐसे लिख लिया। अब अपन क्या करेंगे इसमें ये कार्बन वन होगा ये कार्बन टू होगा ये कार्बन थ्री फोर फाइव और ये कार्बन सिक्स होता है। कार्बन वन इज एनोमेरिक कार्बन एटम इस पे अगर दोनों OH मतलब कार्बन वन को बोलते हैं अगर दोनों OH में एक ही तरफ लिखूंगा तो इसको मैं लिखूंगा अल्फा ये दोनों एक ही तरफ है सेम साइड सो इट इज अल्फा डी अल्फा डी ठीक है। इसको अपन कहेंगे अल्फा डिग्लूकोज राइट तो कर दिया नंबर सेम अगर अपन बीटा डिग्लूकोज लिखेंगे तो अभी तो पता है यस बीटा डिग्लूकोज भी वैसे ही होता है CH2OH H नीचे इधर ऊपर था तो इधर नीचे है इधर नीचे है तो इधर ऊपर लिख लेते हैं इधर नीचे है तो इधर ऊपर लिख लेते हैं और इधर ऊपर लिख लेते हैं। तो एनोमेरिक कार्बन एटम पे अगर सेम साइड होता है तो अल्फा होता है और अपोजिट साइड होता है तो बीटा होता है तो ये बीटा बीटा डी ये ग्लूकोज जो अपन ने अल्फा डी ग्लूकोज बनाया था वो अपन ने ऐसे देखेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी तो अल्फा डी ग्लूकोज में सेम साइड होता है तो अपन ने यहां पर एच लिखा था और यहां पर ओ एच लिखा था ये अल्फा डी ग्लूकोज
आप जो भी फिशर प्रोजेक्शन लिखोगे अगर हिबर्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको ऐसे है ना, इसको ऐसे करते 90 डिग्री रोटेट, और 90 डिग्री रोटेट करने के बाद देख लेना कि जो OH नीचे आए वो नीचे हो और जो OH ऊपर आए वो ऊपर। अब देखो एक ही OH ऊपर दिख रहा है, बाकी सारे OH नीचे दिख रहे हैं। ये वाला OH ऊपर कार्बन थ्री का फोर कार्बन, ये वाला ये 1 2 3 थर्ड मतलब अगर मैं इसको इसमें भी कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कैसे आपको स्टेट बताते हैं। इस पर तो बताना मुश्किल होगा कि इसमें तो कुछ बता नहीं पाएंगे क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि इधर वाइज टेस्ट है, तो इसकी तो अपन बात नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें मुझे पता है। तो अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करूं, ब्रेक करूं, और इस कार्बन से ना दो ऑक्सीजन अटैच थे, ये वाला एक ये वाला, इसलिए इसको कार्बन बना। वैसे भी अपन को पता था होगा। तो आपको पता है कि इसको 90 डिग्री रोटेट करके हमने क्या। अब फ्रक्टोज की बात, अगर अपन फ्रक्टोज की बात करेंगे तो फ्रक्टोज बोल के फ्रक्टोज अपने पास 5 मेंबर रिंग होता है। अब अपन कहेंगे ठीक है मैंने इसको ऐसे फ्रक्टोज में अपन कहते हैं भाई CH2OH होता है, इधर लिख लेता हूँ फिर हटाता हूँ। CH2OH होता है, फिर उसके बाद कार्बन होता है, एक OH होता है, 3 4 5 6 और ए भी CH2OH होता है। और इसमें अगर अपन चेक करेंगे ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, इसमें OH इधर होता है, इसमें OH इधर होता है, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 तो इसको इसको रोटेट कर लो तो अपन कहेंगे देखो अगर रोटेट करूंगा ना तो अल्फा और बीटा, तो इसमें अपन कहेंगे ठीक है मैं इसको तो CH2OH लिख लेता हूँ, इसको OH लिख लेता हूँ। इधर बताना मुश्किल है ना मेरे लिए क्योंकि ये ऑक्सीजन वाले सेट है, लेकिन इसमें मुझे पता है थर्ड कार्बन ये 1 होगा, ये 2 होगा, थर्ड कार्बन एटम पे OH ऊपर होना चाहिए, फोर्थ पे नीचे होना चाहिए, फिफ्थ पे बताना मुश्किल है क्योंकि एक CH2OH होगा और एक होगा। तो अगर दोनों CH2OH एक ही तरफ है तो मैं इसको बोल दूंगा दिस इज द अल्फा डी फ्रक्टोज। जब मैं बीटा डी फ्रक्टोज लिखूंगा तो मुझे इस कार्बन पे चेंज करना है, इसको ऊपर और इसको नीचे, ताकि वो अपोजिट हो जाए जैसे अपन ने पढ़ा। इसमें फिर अपन इसको अगर ये अल्फा है तो बीटा डी ग्लूकोज के लिए मुझे बीटा डी फ्रक्टोज के लिए मुझे इस OH को ऊपर लिखूंगा ये CH2OH, तो इस पे मैंने चेंज कर दिया। अब बाकी सारा पार्ट सेम दैट इज एनोमेरिक कार्बन एटम, तो बाकी सारे पार्ट में तो अपन को सेम रखना है, इसको OH को ऊपर नीचे एक नीचे इधर ऊपर और इधर तो ऐसे that is alpha, we got alpha, this is beta beta, so this is beta beta, now you got alpha d fructose and beta d fructose, so pata chal gaya kaise banana hai, aur agar isko usme convert karna hai fixture projection type mein to apan kar sakte hain। ab मुझे दीज आर कॉल्ड जैसे अब ये होता है ना दिस इज कॉल्ड अपन को पता है प्यूरेट एंड दिस इज कॉल्ड पायरन, 6 मेंबर रिंग होता है एक ऑक्सीजन के साथ तो अपन उसे पायरन बोलते हैं और इसको प्यूरेट। तो इसमें तो ये रिंग है 6 मेंबर, तो मैं क्या करूंगा इसको ग्लूको पायरनोज बोलूंगा, इसको नहीं बोल इसको अपन ग्लूको पायरनोज बोलेंगे, लेकिन अगर ओपन स्ट्रक्चर होगा तो ग्लूको पायरनोज नहीं बोल सकते,
और रिंग की वजह से पायरन रिंग की वजह से पायरनोज बनता है ग्लूकोज पायरनोज। ऐसे तो इसको भी फ्रक्टोफ्यूरनोज लिखो, बिल्कुल लिखूंगा ना फ्रक्टोफ्यूरनोज, दिस इज ऑल्सो फ्रक्टोफ्यूरनोज, दिस इज अभी सिक्स मेंबर रिंग है तो शेयर और बोट फॉर्म की भी बात होगी। आपकी मर्जी, आप जहां चाहे ऑक्सीजन ले सकते हैं, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, आपकी मर्जी, आप जहां चाहे ऑक्सीजन ले, मैं यहां ले सकता, कोई बात नहीं आपकी मर्जी। अब जो नंबरिंग है वो अपन क्लॉकवाइज से शुरू करते हैं। शायद मैंने कल भी एक क्वेश्चन बताया था, अगर आप रहे होंगे एडवांस के डिस्कशन में कैसे बिल्कुल लिखा, तो मैं क्या करूंगा, ये मैंने सिक्स मेंबर कहीं भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी, बस ये है कि नंबरिंग शुरू करूंगा तो राइट हैंड साइड से करूंगा, ये सिक्स। अब पहले मैं बॉन्ड लिख लेता हूं, एक्सियल इक्विटोरियल, मैं एक्सियल इक्विटोरियल की जगह ऐसे बोलूंगा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, हो तो समझ में आया, जो ऊपर की तरफ लिखते हो उसको ऊपर, जो नीचे की तरफ लिखते हो वो नीचे लिखते हो। अब मैं वहां पर कार्बन बंद देखता हूँ, ओएच नीचे, मतलब नीचे है ना, नहीं बना हुआ अल्फा, मैं इसको अल्फा वाला ग्लूकोज बना रहा हूँ, तो OH नीचे, H ऊपर, OH नीचे हो गया, थर्ड पे OH ऊपर हो गया, फोर्थ पे OH नीचे हो गया, फिफ्थ पे CH2OH है, तो मैं CH2OH को रखता हूं, बाकी जगह हाइड्रोजन लिख देता हूं। ये तो बड़ा इजी था भाई, जो ऊपर था ऊपर, जो नीचे था नीचे, बस एक्सेल बॉन्ड जो है और इक्विटोरियल बॉन्ड हर एक कार्बन एटम पे मैंने आपको ऊपर नीचे बना के दिखाया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कैसे दिखाया। तो बस मैं कैसे लिखूं, दिस इज आल्सो अल्फा डी ग्लूकोपायरनोज, बड़ा इजी, ठीक है, तो देखो बीटा डी ग्लूको बना सकते हैं अपने हिसाब से, बस इसको उधर लिख देंगे, इधर हो, लेकिन वो ऊपर नीचे कौन कहाँ लिखा जाएगा ये आपको समझना है। आप कहीं भी लिख सकते हो, बस राइट हैंड साइड से वन टू, यहाँ ओ लिखता तो यहाँ से वन टू थ्री ऐसे, तो अगर ऐसे स्ट्रक्चर गिवन है तो अपन वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या अपन बता सकते हैं कि अल्फा गिवन है या बीटा गिवन है, इधर अपन से पूछ सकते हैं बताओ क्या। So this is about the Hayworth projection. इसमें क्योंकि चेयर बोर्ड नहीं हो सकता, इसलिए अब अपन यही रुक जाते हैं, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, अभी तुम लोग टेस्ट का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। सर वो अल्फा डी फ्रुक्टो फ्रुक्टोफ्यूरनोज आपने बस इसलिए लिखा क्योंकि फाइव मेंबर रिंग है ना, बिल्कुल बिल्कुल, साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट ऐसे बोलते हैं, वाटर साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट, इसलिए बिल्कुल फाइव मेंबर रिंग की वजह से फ्यूरनोज, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ओके बेटा, चलो।